मुंबई के मलारपुर अप्पापाड़ा में स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल व जूनियर कॉलेज और सिवरा लोखंडला सिटीजन फाउंडेशन के तत्वावधान में मुफ्त आंखों के जांच कर चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की आयोजिका स्वामी विवेकानंद स्कूल की चेयरमैन डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह थी, जिन्होंने शिविर में स्वयं मौजूद होकर जाँच के लिए आए सभी पुरुष व महिला वर्ग के लोगों का हालचाल जाना, जहाँ बड़ी तादाद में स्थानीय जनता ने मुफ्त आई चेकअप व चश्मा वितरण का लाभ लिया। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के रूप में समाज सेवक अरविंद दुबे, स्वामी विवेकानंद जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अनूप सिंह खास तौर पर मौजूद थे। इस शिविर को सफल बनाने में शिविर में चश्मा वितरण करने वाली कंपनी विजन RX लैब की सोशल संयोजिका लीसा जिग्नेश उदवाड़िया, समाज सेवक महेश चंद्र वर्मा, समाज सेवक नंदलाल पांडे, समाज सेविका चंदा पांडे व अन्य कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आई चेकअप शिविर में आए सभी अतिथियों और लाभार्थियों ने डॉक्टर नूतन शमशेर सिंह के कार्यों की सराहना की। डॉक्टर नूतन सिंह ने आए सभी अतिथियों और विजन RX लैब के डॉक्टर व सभी स्टाफ को पुष्पगुच्छ देकर का आभार प्रकट किया। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। कहूँगा आज डॉक्टर नूतन जो है हमारी ये दुर्गा है, और मैं लगभग एक साल से देख रहा हूँ, एक साल से जो सेवा बस्ती है अप्पापाड़ा है, जो स्वामी विवेकानंद स्कूल है, ये सेवा बस्ती में है और जिस ढंग से वो तन से और हृदय से सेवा कर रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी ही सेवा, ये दिखावटी सेवा नहीं है, ये प्रत्यक्ष सेवा है। और सेवा ही सबको जो है अपने पथ पे अग्रसर करती है। हाँ, आपको कहाँ से ये चीज़ों की प्रेरणा मिली? आप मतलब इसके बारे में कब से आपने प्लान बनाया कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए? मेरे पिता श्री शमशेर सिंह जी ऑलरेडी समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए थे, और बचपन से ही मैं उन्हें देखती थी जिस जज्बे के साथ वो लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे, तो वो सबसे बड़े मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के श्री अरविंद दुबे जी, इन्हीं लोगों के बीच में मैं रहती हूँ और मुझे निरंतर इन्हीं लोगों से एक प्रेरणा मिलती है कि समाज सेवा ही एक सबसे बड़ी सेवा है, और जो निःशुल्क सेवा है, आप जितने लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक समाज के पहुँचा सको, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है, सबसे बड़ा लाइफ का गिफ्ट होता है। तो वही कार्य मैं इन्हीं सबकी प्रेरणा से कर रही हूँ, और इसी तरीके से मुझे अगर आशीर्वाद मिलता रहा तो आगे भी मेरे बहुत सारे मिशन हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, ताकि समाज का हर एक अंतिम व्यक्ति भी अपने आप को कभी ऐसा ना महसूस करे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मेरा ये दवाई नहीं हो पा रही है, मैं चश्मा नहीं ले पा रहा हूँ, मैं हेल्थ चेकअप नहीं करवा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उनके मन में भाव हमेशा के लिए मैं मिटाना चाहती हूँ। नेत्र जाँच शिविर का आयोजन जो किया गया है स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल ओशीवारा फाउंडेशन की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन के जो ट्रस्टी हैं श्री अशोक पंडित जी, श्री राकेश कोहले जी और श्री हेमंत जांगले सर जी, उनके ही मदद से, और श्री नंदलाल पांडे जी, श्रीमती चंदा पांडे जी, श्री महेश चंद्र वर्मा जी, इन सभी के सहयोग से हमने आज यहाँ स्वामी विवेकानंद स्कूल अप्पापाड़ा मलाड में इस मुफ्त जांच नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। और जैसे कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिता श्री शमशेर सिंह जी की प्रेरणा से ही हम ये समाज के लिए निरंतर ये समाज सेवा का कार्य करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है और कितने लोग लाभ ले सकते हैं? अभी तक 150 से 200 लोगों ने इसका लाभ लिया है, और मुझे लगता है कि 500 से 600 लोग और भी ये नेत्र जांच शिविर का लाभ लेंगे और मुफ्त में चश्मा उनको दिया जाएगा। VRX विजन काम कर रहा है, उसके बारे में पहले तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? VRX विजन लैब जो है एक कॉरपोरेट कंपनी है, तो जैसा कि मैडम ने बताया था कि सालाना मुनाफा अगर 500 करोड़ से ऊपर जाता है तो उनको 0.2% CSR फंड में करना होता है, और उसी CSR फंड के माध्यम से आज का ये जो कार्यक्रम है VRX विजन लैब कर रहा है। और उसके साथ में जैसे हमारी संस्था दीनदयाल शिक्षण संस्था स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल ने टाइप करके ये कार्यक्रम आज का किया है, और जिसके थ्रू आज हमारे विभाग के जो लोग हैं, रहवासी हैं, उनको मुफ्त जो है आँखों की जाँच होगी, और साथ ही साथ जिन्हें नंबर होगा उन्हें कस्टमाइज नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि रेडीमेड फ्रेम्स बने हुए हैं और डायरेक्टली वही दिए जाएंगे,
जो उनका एक्चुअल नंबर होगा वही नंबर उनको मिलेंगे। जैसा मैडम ने बताया इस वक्त लगभग 150 के आसपास लोग इसका लाभ ले चुके हैं, उनकी जांच हो चुकी है और 10 बजे से 4 बजे तक ये कैंप है, तो काफ़ी बड़ा समय दिया गया है और आज मुहर्रम की छुट्टी के नाते काफ़ी संख्या में लोग आज यहाँ आएंगे और अंदाजन लगभग 500 से 600 लोग इस शिविर का लाभ उठाएंगे। सर एक क्वेश्चन, जिस तरह से मैडम अभी लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं उसके बारे में आप मैम को क्या कहना चाहेंगे? मैडम अभी से सेवा नहीं कर रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा विद्यालय 1989 से अग्रसर है। हमारे पहले जो संस्थापक हैं आदरणीय स्वर्गीय शमशेर सिंह सर, उनसे ही हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है और जैसा हमारी संस्था का नाम है दीनदयाल शिक्षण संस्था स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के आखिरी व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का स्वप्न जो है वो देखा था और उसी के प्रेरणा के थ्रू हम लोग ये काम कर रहे हैं। लगभग इस विभाग में कम से कम 15 साल के ऊपर मैडम को हो चुके होंगे लगातार सेवाएं देते हुए और नियमित रूप से। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमारे समाज के हर व्यक्ति को जितनी अच्छी सुविधाएं और सेवाएं हम दे सकें हम उसकी पूरी कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्वामी विवेकानंद स्कूल में आए हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आई चेकअप कैंप हो रहा है। ये यहाँ पे मेरा मानना है कि करीबन 300 से 400 लोग यहाँ पे लाभार्थी आएंगे जिनका मुफ्त में जांच होगा और बाद में उनको मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा विजन आरएक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। विजन आरएक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करीबन 4 से 5 साल से मुंबई में कर रहे हैं और हमने करीबन 1.5 लाख से ऊपर के लोगों को चश्मा हम बांट चुके हैं अभी तक। और पूरे वेस्टर्न रीजन में मेरा सभी से यही विनती है, वेस्टर्न रीजन में जैसे कि पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, गोवा, वो जो भी आज मुझे देख रहे हैं उन सबसे मेरा विनती है कि जो भी एनजीओ और ट्रस्ट हो वो हमको विजन आरएक्स लैब को कांटेक्ट करें। हम आपके जिले में, शहर में, गांव में आकर गरीब लोगों के लिए ये काम करेंगे। जी, मैं चंदा पांडे वार्ड अध्यक्ष, और यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया है वो ओशियरा सिटीजन ये फाउंडेशन है और ये अपने नूतन सिंह जी मैडम जी हैं जो आयोजन करता है। और यहाँ पे जो फ्री कैंप शिविर चार्ज लगा हुआ है उसको सुबह से 10-11 बजे से चालू है और उसमें काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपने फ्री आँखों का चेकअप करा रहे हैं और उनको भी अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसे कैंप लगे अपने, मैं ये आशा करती हूँ। और हम लोग सो जितनी टीम है जितना बन पड़ता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा हर कैंप का फ्री आयोजन करवाते हैं।